हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ खुशबू और आज की वीडियो में मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरीज के बारे में कुछ बताऊंगी। तो गाइस, यहां पर फर्स्ट आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी एक स्टोरी है जो कि एक कैप सेलर और मंकी की है। तो इसका हमें मोरल लिखना है। तो गाइस, इसकी जो इसका मोरल होगा वो मेरी तरफ से तो विजडम इज़ अ ग्रेटर दैन स्ट्रेंथ होगा, बिकॉज कि जो कैप सेलर था ये बहुत ही चलाक था। इसने मंकी से अपनी कैप ले ली थी चलाकी से। तो इसका मैं लिख देती हूँ विस्टम इज़ अ ग्रेटर दैन स्ट्रेंथ। तो गाइज, मैंने इसका ही लिख लिया है मोरल। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड हमारी आती है एक यहाँ पर फोक्स एंड बनी है जो कि जिसकी हमें मोरल लिखना है। तो गाइज, इसका मोरल मेरी तरफ से तो टिट फॉर टैट होगा क्योंकि मैंने कहानी पढ़ रखी है। इसमें ये पहले तो जो फॉक्स होती है वो उसके साथ गलत करती है, तो फिर ये भी ऐसा ही करता है फॉक्स भी। ये जो पहले तो देखिए, जो फॉक्स होती है ये एक इसको खाने पर इनवाइट करती है और ये आते हैं तो फिर इसको एक बाउल में खाना देते हैं। जब फॉक्स को पता है कि जो ये सारस बोलते हैं इसको, तो सारस की चोंच लंबी है तो फिर वो बाउल में खाना कैसे खाएगा। इसीलिए जब सारस के यहाँ पर इसको इनवाइट करता है तो फिर सारस का तो मुंह जो चोंच थी वो लंबी थी, तो वो घड़े में पी सकती थी, अपना जो भी खाना उन्होंने बनाया वो खा सकते थे। बट जो फॉक्स थी वो नहीं कर सकती थी। तो फॉक्स ने पहले गलत किया, ऐसे ही सारस ने उसके साथ किया। तो ये टिट फॉर टैट होगा गाइस। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। और फिर थर्ड है हमारी, यहाँ पर एक लकड़ी काटता हुआ किसान है। तो गाइज, ये वाली भी मैंने पढ़ रखी है। इसमें जो ये होता है किसान, ये जो लकड़ा रहा है ये काट रहा है इसको लकड़ी को, इसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो नदी में गिर जाती है। और ये ईमानदारी से सच कहानी, मतलब सच। अब इसकी जो लकड़ी होती है, जो कुल्हाड़ी होती है, उसी को ही बताता है कि अपनी कुल्हाड़ी, वरना नदी में से एक निकल कर आती है परी जो कि इसको सोने और चांदी की दे रही थी। बट इसने बताया कि मेरी तो लकड़ी की ही है। तो इसने ऑनेस्टी से काम दिया। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लिख लिया है। फिर हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हमारी आती है, यहाँ पर दो कैट है और एक मंकी है। तो गाइस, ये वाली कहानी भी मैंने पढ़ रखी है। गाइज, इस वाली कहानी में जो ये दोनों कैट होती है ये आपस में लड़ रही होती है रोटी के लिए। तभी एक बंदर आता है और चलाकी करके इन दोनों की जो रोटी रहती है वो थोड़ी थोड़ी करके खा जाता है पूरी, क्योंकि ये लड़ रही थी। तो इसीलिए नेवर क्वारल, कभी हमें लड़ना नहीं चाहिए, हर बात को प्यार से सुलझाना चाहिए। तो गाइज, इसका है नेवर क्वारल। गाइज, यहाँ पर मैंने लिख लिया। और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में एक डॉगी जो कि पानी में अपने आप को ही देखता है और ये ग्रीडी हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, डोंट बी ग्रीडी, इसका मोरल होगा। बिकॉज क्योंकि जो ये डॉग रहता है ये एक बोन लाता है और फिर बोन को जब ये रास्ते से जा रहा होता है तो इसको एक नदी दिखती है जिसके अंदर ये अपना फेस देखता है। ये सोचता है कि एक और डॉगी है, मैं इससे लड़कर उसकी भी बोन ले लूँगा। और ये पानी में कूद जाता है तो ग्रीडी हुआ, उसकी वजह से ही तो ये पानी में कूदा। तो इसलिए डोंट बी ग्रीडी, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। गाइस, यहाँ पर सिक्स्थ पे आती है एक जो फॉक्स बनी है, ये वाली भी मैंने पढ़ी है। इसके ऊपर जो ग्रैप्स लगे हैं, बेचारी फॉक्स है, ये ग्रैप्स को तोड़ नहीं पाती है। तो इसका है नेस्टी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो खुद से ही बनी है पर वो उछल उछल कर उसका तोड़ने की कोशिश करती है पर उस पर नहीं टूटती, इसलिए वो भूखी ही चली जाती है। तो इसका मतलब है नेस्टी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। गाइज, इसका मतलब है आवश्यकता ही जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसका मतलब ये होगा। और फिर गाइज, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेवन्थ की तरफ। सेवन्थ है, ये तो सभी ने ही पढ़ी होगी, थ्रस्टी क्रो, एक प्यासा कौवा जो कि घड़े में कंकड़ डाल कर पानी ऊपर लाता है। तो गाइज, इसका मोरल मेरे हिसाब से तो इसका होगा इट ईजी टू डिसीव वॉट यू कैन हैव। इसका मतलब तुम अगर करोगे नहीं मेहनत तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो क्रो था उसने मेहनत की और फिर उसको पानी मिला। तो इसमें हम लिख देते हैं इट ईजी
डिसीव व्हाट यू कैन नॉट हैव। फिर गाइस हम 8 की तरफ आते हैं। ये झूठ बोलता है लड़का, ये वाली मैंने पढ़ी है। और झूठ बोल बोल कर ये बोलता है कि भेड़ आ गई, और असली में एक दिन भेड़ आ जाती पर उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो फिर वो भेड़ उसको मार देती है। तो इसका मतलब है नोबडी बिलीव अ लायर्स। तो गाइस आपको मेरी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।